तो दोस्तों 200 साल से भी पुरानी ये रेसिपी है। महाराजा रणजीत सिंह के समय से ये स्टार्ट हुई थी और बहुत ज़्यादा फेमस ये रहती है अमृतसर में, और अब यहाँ सहारनपुर में भी आ गई है। तो दोस्तों ये हिस्ट्री क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री है अमृतसरी कुलचा की, और अब ये हमारे शहर सहारनपुर में भी आ चुका है दोस्तों। और वैसे एक कहावत तो मैंने भी सुनी है कि कुलचा वो लाजवाब होता है भैया जो मुंह में रखो और घुल जाए। तो आज इसी कसौटी को परखेंगे दोस्तों। हम आए हैं कहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये प्यारा सा सेटअप देख लो एक बार आप लोग, ये प्यारा सा सेटअप है दोस्तों यहाँ पे साडा पंजाब का, जहाँ पे मिलेंगे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ अमृतसरी कुलचे। हमारे साथ भाई साहब भी हैं, यहाँ के ओनर हैं। और भाई साहब हम कौन सा ट्राई करें? सर सारे बढ़िया हैं, बाकी पसंद की बात है। कौन जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो कौन सा है आपका? आलू प्याज भी बिकता है। आलू प्याज तो चूर भी बिकता है। चूर भी तो दोस्तों हम इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं भाई साहब, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आलू प्याज जैसे बता रहे हैं, और आजकल बच्चों का फेवरेट चलता है पनीर वाला, तो हमने एक पनीर कुलचा हम भाई साहब को बोल देते हैं हमारे लिए तैयार करा दीजिए। और चलिए भाई आपको दिखाते हैं कि चूर चूर नान और ये अमृतसरी कुलचा यहाँ का कैसा टेस्ट में रहेगा, आओ मेरे साथ। तो दोस्तों पहले लोकेशन बता देता हूँ आपको, हम खड़े हैं सहारनपुर के कोर्ट रोड पे, और हमारे कोर्ट रोड पे मैं आपको बता देता हूँ सामने थोड़ा सा मेरे राइट साइड अपोजिट साइड में वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और काफ़ी वेल नोन मार्केट है यार ये तो कोर्ट रोड की। तो यहाँ पे हम हैं साडा पंजाब, बराबर में रिबॉक का शोरूम भी है मेरे, यहीं पर हम लोग हैं। तो दोस्तों रिबॉक के शोरूम और पेट्रोल पंप के बीच में है साडा पंजाब, अमृतसरी कुलचों के लिए जो फेमस है, काफ़ी सारी इसकी हमने लोगों से बड़ाई भी सुनी है, तो आज हम भी ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बात आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ का स्टाफ है ये स्पेशली ट्रेंड होके आया है। तो हमारे साथ दारजी, देखो भाई सर्दी का टाइम है, चाय के चुस्के भी लगा रहे हैं। दारजी ये बताइए, ये अमृतसरी कुलचा जो है साडा पंजाब का, आप इसके लिए ट्रेंड होके आए हैं, आपने कहाँ से आए हैं वैसे? मैं अमृतसर से। अमृतसर से, तो अमृतसर से ही आए हुए हैं स्टाफ जो है इनका। अब यहाँ हमें प्लेट में सर्व किए जाएंगे, ओहो तो ये कौन सा है दार जी? पनीर वाला। अब इस पे लगाएंगे बटर, और मैं यहीं पे चूर चूर करा लूँगा भैया को कह के, यहीं पे इसको कराएंगे चूर चूर। ये पनीर वाला है भैया आजकल, लो ये साउंड सुनो, लो जी पनीर वाला ये हमारी टेबल पे जा रहा है, अब दूसरा आ रहा है। और मैं अभी दोस्तों ये भी पढ़ रहा था कि किसी भी कुलचे को तैयार होने में 5 से 15 मिनट का टाइम लगता है, क्यों दार जी ये बात सही है? हाँ जी 5 से 15 मिनट लगते हैं। कुलचा वही बेस्ट होता है भैया जब आपके मुंह में जाके एकदम से घुल जाए। ये लो एक बार, ये लो। तो चलिए भाई अब हमारे दोनों कुलचे यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों कुलचे के साथ मैं आपको बता देता हूँ क्या मिलता है। कुलचे के साथ मिलते भैया ये बहुत बढ़िया से दिखने वाले छोले, साथ में मिलती है ये आपको प्याज वाली चटनी। तो चलो दोस्तों अभी तो गर्म गर्म है, मुझे आपको ये भी बताना कि कुलचे की क्वालिटी कैसी है इसकी। तो चलो भैया बाइट बनाते, पहले लेते भैया सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग, ओहो बड़े आराम से ये कुलचा टूट रहा है। चलो एक बाइट और लूँगा, वैसे तो दोस्तों मुझे तो खैर पहली बाइट से ही पता लग गया, मैं बाइट बना लेता हूँ ऐसे। हम भी भैया अमृतसरी कुलचे को अमृतसर वालों की तरह ही खाएंगे। चलिए बिल्कुल एफर्टलेस होके खाओगे, पूरा मुंह में घुल रहा है भाई, लाजवाब कुलचा है आलू प्याज का, टेस्ट भाई बड़ा अच्छा है उसका। पनीर वाला भी ले लेते हैं जो कि आजकल लोगों की डिमांड रहती है कि भाई पनीर वाला भी ये ले लेते हैं। भैया अंदर पूरा भैया ने लालच नहीं किया, वो पूरा पनीर भरा हुआ है कूट कूट के इसमें। और इसकी भी बाइट लेते हैं दोस्तों एक, थोड़ी सी चटनी रखते हैं इस पर भी दोस्तों, ओहो चलिए दोस्तों थोड़ा सा पोर्शन ये लेते हैं दोस्तों। हो ये देखो भैया, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, पूरा भैया ने पनीर जो है ना कूट कूट के भर दिया इसके अंदर।
और ये भी भैया मुंह में एकदम उड़ रहा है। अब प्राइसिंग की बात बताऊं दोस्तों, प्राइस यहाँ के बड़े अच्छे रखे हुए हैं इन्होंने। 70 रुपये से कुलचा स्टार्ट हो जाता है। मैंने आलू प्याज का लिया था, ये सिर्फ 80 रुपीज़ का है। पनीर वाला 110 का है दोस्तों। मैं आपको बताऊँ, एक कुलचे में ही शायद मुझे लगता है आपका पेट भर जाएगा, इतने बढ़िया इन कुलचों का साइज़ है। काफ़ी बड़े और हैवी कुलचे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बड़े खाने में सॉफ्ट है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आपका मन करे ना कुलचा खाने के लिए, तो साडा पंजाब आना। तो यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हर टाइम अवेलेबल मिलेगा आपको। टाइमिंग देख कर आना और मुझे बताना स्पेशली आलू प्याज वाले का कि दोस्तों ये कैसा लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आज का ट्रू विनर है ये आलू प्याज का कुलचा। तो चलो दोस्तों, मैं तो इसको इन्जॉय कर ही रहा हूँ, आप मेरे चैनल को इन्जॉय करना, लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट कर देना जरूर।